हेलो राशिद, आज आप कहाँ पर हैं? आज मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ अपने व्यूज के लिए। मैं एक दुबई के एक मॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे दुबई में अपना छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, या फिर आप कुछ जॉब कर सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको आपको पीछे दिख रहा होगा जो मोबाइल एक्सेसरीज लगी हुई हैं। आप कैसे किसी मॉल के अंदर इतनी सी शॉप, बड़ी शॉप बनाने की बजाय आप छोटी शॉप भी बना सकते हैं जिससे अपनी इनकम कर सकते हैं आप। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले बताएं आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मैं बांग्लादेश से। थोड़ा ऊंचा बोलना। बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। तो कितना अर्सा हो गया आपको दुबई में? दो साल हो गए। दो साल हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके जहन में आया, छोटी सी मॉल, एक बड़े मॉल में छोटी सी शॉप बनाना, मोबाइल एक्सेसरीज का? कॉर्नर लेने का, सस्ता मिलते हैं, ठीक है, इसलिए छोटा सा स्टार्ट करके मैं धीरे धीरे बड़ा शॉप की तरफ जाऊंगा। सही है। अभी पहले छोटा सा स्टार्ट किया। तो इसमें इसको लेने के लिए मॉल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो जरूरी है, अहम है? आपको जान पहचान कोई से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस के बाद सामान लेने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सही है। और आपको रेंट एक साथ देने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भी रेंट दे सकते, 3 महीने के चेक के बाद। आप यहाँ पर कौन से कस्टमर आपके पास ज्यादा आते हैं मॉल के अंदर? ज्यादातर अभी विंटर है ना, तो टूरिस्ट लुक बहुत ज्यादा आते हैं। बिल्डिंग का लुक आता है, बिल्डिंग का लुक तो फिक्स है, तो बाहर से टूरिस्ट लुक आते हैं, इधर कस्टमर भी आते हैं, जान पहचान भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो जो नए लोग हैं, अभी आपको 2 साल हो गया, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे, वो कैसे ये सेटअप लगा सकते हैं? जैसे आपने भी तो कहीं से ये जगह ढूंढी होगी, जो आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? आप इंटरेस्ट हो तो 1-2 महीने के अंदर सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा से एक लोकेशन ढूंढ लो, बाद में ट्रेड लाइसेंस कर लो, करके बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। ये देखें, ये जैसे पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में होता है, शॉप्स बनी होती है, दरवाजे लगे होते हैं, उसको बंद करते हैं, शाम के वक्त आप उसे कैसे क्लोज करते हैं? क्या आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? दुबई तो सेफ जगह ना, इसलिए जरूरत नहीं होता। ऊपर सिक्योरिटी कैमरा इधर भी है, उधर बिल्डिंग का कैमरा है, इधर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए कुछ जरूरत नहीं होता। आप उसे रख के जाइए तो ऐसे रह जाए। तो कैसा बिजनेस? अभी देखिए, मैंने आपको एक अच्छा कंसेप्ट दिखाया है, एक ऐसी वीडियो बनाई है कि हम दूसरी मजदूरी करने की बजाय एक ऐसा छोटा स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं कि हैंड फ्रीज, मोबाइल्स के कवर, एक्सेसरी वगैरह किसी मॉल में छोटी सी जगह लेकर हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे सेफ है, ये मॉल के अंदर, यानी कि कोई खतरा नहीं है, कोई उठा के ले जाएगा रात को इसको निकाल के, पूरा सेफ्टी का सामान होता है, यहाँ पर कैमरे वगैरह लगे होते हैं, सब कुछ होता है। देखिए, हम बाहर भी तो मेहनत करते हैं ना, मजदूरी, क्यों ना हम अपनी लाइफ को दूसरी चीज़ की तरफ लेकर आएं, बिजनेस की तरफ लेकर आएं, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज, इनको फिर आस्ता आस्ता ये खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, आपकी वाकफियत हो जाती है, आप आगे निकल जाते हैं। जैसे कि भाई ने माशाल्लाह एक्सेसरी से काम स्टार्ट किया है, ऐसे ही मैं इंशाल्लाह आपके लिए और नए व्लॉग लेकर आऊँगा, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज जो आप छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए आप मज़ीद कैसी कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं।